महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस के द्वारा उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के खिलाफ में कार्रवाई किए जाने के बाद अब फाइनली उद्धव ठाकरे ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। आखिरकार उद्धव ठाकरे ने क्या किया है जिसकी वजह से फिर से सवाल उठने शुरू हो गए हैं, उसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपका मन करे तो शेयर भी कर सकते हैं। तो आप सबको बता दूँ कि जब से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी है उसके बाद लगातार एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट एक दूसरे से भिड़ते ही नजर आ रहे हैं। इन्हीं सब चीजों के बीच में एक अपडेट आई जहां पर बताया गया कि लगातार बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जो हैं दिन पे दिन कमजोर होते जा रहे हैं, उनकी जो शिवसेना पे पकड़ है वो दिन पे दिन खत्म होती जा रही है। लेकिन अब जो है इसके लिए उद्धव ठाकरे ने भी पूरी तरह से कमर कस ली है और इसमें आदित्य ठाकरे भी उनको पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिवसैनिकों और शिवसेना के बागियों के बीच आए दिन झड़प होने लगी है। एकनाथ शिंदे का बागी गुट खुद को असली शिवसेना साबित करने के लिए आक्रामक है। इधर जो है मातोश्री से भी शिवसैनिकों को रिचार्ज किया जा रहा है। जैसा कि अभी अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि शनिवार को प्रभा देवी में बागियों से भिड़ने वाले शिवसैनिकों के साथ में जो कुछ हुआ था उनको फाइनली उद्धव ठाकरे गुट ने जमानत पर रिहा करा लिया। जमानत पर रिहा कराने के बाद उद्धव ठाकरे गुट ने उनको जो है मातोश्री लेकर पहुंचे। जैसा कि अभी अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि 4 से 5 कार्यकर्ताओं जिनको गिरफ्तार किया गया था एकनाथ शिंदे गुट से भिड़ने को लेकर मुंबई पुलिस के द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी और उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, उनको जो है शाम तक जमानत दे दिया गया। जमानत मिलने के जस्ट बाद उनको जो है जमानत से छूट कर वो जो है उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री पहुंचे, मतलब कि उनको ले जाया गया जहां पर शिवसैनिकों का जोरदार ढंग से स्वागत किया गया। पांचों शिवसैनिकों को जमानत मिलने के बाद शिवसेना के विभाग प्रमुख महेश सावंत उन्हें लेकर मातोश्री गए। स्थानीय विधायक सदा सरवणकर के बागी शिंदे गुट में जाने के बाद उद्धव ठाकरे ने महेश सावंत को नया विभाग प्रमुख बनाया है। विभाग प्रमुख के तौर पर सदा सरवणकर को टक्कर देने के लिए महेश सावंत पिछले कई दिनों से दादर महीम विभाग में सक्रिय हैं। उन्हें ताकत देने के लिए मातोश्री में उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ उनकी पीठ थपथपाई बल्कि उन्हें अपने बगल की कुर्सी पर भी बैठाया। जबकि वहीं बात करें आदित्य ठाकरे की तो आदित्य ठाकरे आम आदमियों के साथ आम शिवसैनिकों के साथ में वहां पर जमीन पर बैठे। शिवसैनिकों को रिचार्ज करने के लिए उद्धव ठाकरे आदेश पर सुबह से ही शिवसेना सांसद अरविंद सावंत, विधायक अनिल परब और विधान परिषद में नेता विपक्ष अंबादास दानवे समय तक शिवसेना के नेता दादर पुलिस स्टेशन में बैठे रहे जब तक कि उनको जमानत नहीं मिल गया। उनके साथ सैकड़ों की संख्या में दादर पुलिस स्टेशन के बाहर शिवसैनिक जमा थे जो लगातार नारेबाजी कर रहे थे। शिवसेना के नेताओं ने पुलिस पर इतना दबाव बनाया कि उन्हें हिरासत में दिए गए पांचों शिवसैनिकों को जमानत देनी पड़ी। इतना ही नहीं शनिवार की रात को सिर्फ शिवसैनिकों के खिलाफ में मामला दर्ज किया गया था, वहीं रविवार को पुलिस को शिंदे गुट के विधायक सदा सरवणकर के खिलाफ में भी मामला दर्ज करना पड़ा। मतलब कि इस तरह से उद्धव ठाकरे गुट के द्वारा प्रेशर बनाया गया पुलिस के ऊपर कि पुलिस ने फिर फाइनली एकनाथ शिंदे गुट के जो विधायक हैं जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने फायरिंग की थी, मतलब कि गोली चलाई थी, उनके खिलाफ में भी मामला दर्ज कर लिया गया है और मुंबई पुलिस के द्वारा इस पर छानबीन करना शुरू कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर उद्धव ठाकरे के द्वारा जिस तरह से उन शिवसैनिकों का स्वागत किया गया उस पर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, जहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या इस तरह से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम जो है शिवसैनिकों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जिससे कि जो भी शिवसैनिक है, जितने भी शिवसैनिक हैं महाराष्ट्र में, वो फिर से एकजुट हो जाएं और उद्धव ठाकरे के सपोर्ट में आ जाएं। शायद यही बताने के लिए उद्धव ठाकरे ने इतना बड़ा कदम उठाया और उनको जो है अपने घर पे बुलाकर उनको उनका स्वागत किया, वो भी तब जब वो जेल से बाहर निकले, मतलब जैसे ही जेल से बाहर जमानत पर रिहा हुए उसके जस्ट बाद उनको जो है मातोश्री में ले जाया गया और वहाँ पर उनकी जमकर स्वागत की गई। ठाकरे से मुलाकात करने के बाद मातोश्री से बाहर आकर विभाग प्रमुख सावंत ने मीडिया से भी बात की है। सावंत ने कहा कि उद्धव ठाकरे हमारे राजनीतिक गुरु हैं, इसलिए हम उनसे मिलने आए थे। उद्धव ठाकरे ने हमसे
संयम बरतने को कहा है। ठाकरे का निर्देश है कि हमें किसी के साथ में मारामारी नहीं करनी है, बल्कि शिवसेना को मजबूत करना है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस संघर्ष में हमेशा की तरह शिवसैनिक ही शिवसेना के ब्रह्मास्त्र हैं। आगामी बीएमसी चुनाव को देखते हुए बागी शिंदे गुट और शिवसैनिकों के बीच इस तरह की वारदातें जो हैं वो बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि बीएमसी का इलेक्शन होगा तो वहाँ पर इन दो के दोनों गुटों में आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ में भिड़ते हुए देखा जाएगा, जिसको लेकर पहले से ही पुलिस को तैनात कर दिया गया है। दादर, महीम, लालबाग, परेल जैसे इलाके जो शुरुआत से ही शिवसेना के गढ़ रहे हैं, वहाँ पर लगातार इन इलाकों में बागियों और शिवसैनिकों के बीच झगड़े की ज़्यादा आशंका जताई जा रही है। इन इलाकों में अभी भी ज़्यादातर शिवसैनिक जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ में बताए जा रहे हैं। इस इलाके में शिंदे गुट बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद पर हैं, इसलिए उनका गुट जो है वो पूरी तरह से आक्रामक नज़र आ रहा है। इससे पुलिस की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। मतलब साफ है कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे गुट जहाँ पर ज़्यादा नहीं है, उसके बावजूद भी वो आक्रामक नज़र आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस टाइम महाराष्ट्र के सीएम के रूप में एकनाथ शिंदे बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से इसकी वजह से उद्धव ठाकरे की परेशानियाँ ज़रूर बढ़ेगी और बीएमसी इलेक्शन में कई आने वाले टाइम पर कई बवाल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो भी चीज़ें हो रही हैं इस टाइम महाराष्ट्र में वो काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली हैं। लगातार शिवसैनिक यानी कि शिवसेना ही उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट आपस में भिड़ रहे हैं। यहाँ तक तो इस बार हदें पार कर दी गई और गोलियां भी चलाई गई, जैसा कि सूत्रों से दावा किया जा रहा है। उसमें बताया जा रहा है कि विधायकों के द्वारा गोली चलाई गई। अब किस पर गोली चलाई गई, क्यों चलाई गई, अभी तक सारी चीज़ें इसको लेकर जाँच कर रही है। मुंबई पुलिस इसमें जाँच करेगी और अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो उनके खिलाफ में कार्रवाई भी की जाएगी। सेम इसी तरह का आरोप जो है वो उद्धव ठाकरे गुट ने भी लगाया है और एकनाथ शिंदे गुट ने भी सेम तरह का आरोप जो है वो लगाया है, वो भी विधायकों के ऊपर जिन्होंने गोलियां चलाई। अब इस बात पे कितनी सच्चाई है वो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से ये सारी चीज़ें जो हो रही है उसकी वजह से आने वाले टाइम पे एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दो के दोनों लोगों की मुश्किलें जो है बढ़ेगी। उधर जो है बीजेपी की तरफ से भी एक के बाद एक बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और वो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे सभी को झटके दे रहे हैं। उनके द्वारा अगर कोई भी पार्टी का नेता, किसी भी पार्टी का नेता थोड़ा भी अगर उनकी तरफ ट्राई करता है ज्वाइन करने को, तो वो जो है उनको अपनी पार्टी में ज्वाइन करा रहे हैं, जिसको लेकर भी अभी कुछ दिनों पहले ही अपडेट आई थी कि एकनाथ शिंदे भी नाराज दिखाई दिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी से एक बड़े नेता को उन्होंने बीजेपी ने अपने पार्टी में ज्वाइन करा लिया, जिसको लेकर एकनाथ शिंदे की तरफ से उनकी गुट की तरफ से सवाल उठाए गए कि आखिरकार जितने भी शिवसैनिक हैं वो उनके साथ में आ रहे हैं और बीजेपी के साथ में उनका गठबंधन है, तो उसके बावजूद भी आखिरकार बीजेपी उन नेताओं को अपने साथ क्यों ला रही है। देखते हैं आने वाले टाइम पे बीएमसी इलेक्शन होगा जब, उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार और कौन कौन लोग, कौन जो है ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन जो है सबसे ज़्यादा शिवसैनिकों के साथ में है, अभी भी किसका शिवसैनिकों के ऊपर ज़्यादा पकड़ है। आपका क्या ओपिनियन है इन सब बातों को लेकर, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।